गांव चलो अभियान के बीच बीजेपी सोमवार से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करने जा रही है। एक महीने में प्रदेश के करीब 15,000 गांव वार्डों में से ये यात्रा जाएगी, जिसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। राजस्थान में इस यात्रा को सफल बनाने का जिम्मा बीजेपी किसान मोर्चा को दिया गया है। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी कड़ी में पहले गांव चलो अभियान चलाया गया और अब ग्राम परिक्रमा यात्रा का आगाज होने जा रहा है। सोमवार से बीजेपी पूरे देश में इसकी शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान के संगठनात्मक 44 जिलों से भी यात्रा का शुभारंभ होगा, जहां गाय, हल, ट्रैक्टर और दूसरे कृषि यंत्रों की पूजा से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस यात्रा में ग्रामीणों और किसानों से चर्चा कर लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। साथी बने, किसान का सम्मान हो, कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसान की सफलता के लिए पूरा का पूरा एक कार्य संपूर्ण देश में किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार राजस्थान और केंद्र की सरकार मिलकर के राजस्थान के किसानों को प्रभाव सफल बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए कार्य कर रही है। ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से करेंगे, जिसके तहत ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के 2.25 लाख गांवों में जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सुक्रताल से ग्राम परिक्रमा यात्रा का 12 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के 44 जिलों में ये यात्रा एक साथ 12 फरवरी को प्रारंभ होगी। गांवों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शामिल रहा है, ऐसे में ग्राम परिक्रमा यात्रा में न सिर्फ किसान और ग्रामीणों से बातचीत की जाएगी, बल्कि गांव के विकास के एजेंडे पर भी रणनीति तय होगी। इसके अलावा सभी देवताओं के स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान के 11,152 ग्राम पंचायतों में ये अभियान चलेगा। सोमवार से शुरू होने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के करीब 2.25 लाख गाँव में जाएगी, जहां किसानों को केंद्र की किसान और कृषि क्षेत्र के उत्पादन के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जल संरक्षण, डिजिटल भुगतान, स्वच्छता अभियान, वोकल फॉर लोकल, घरेलू पर्यटन और जैविक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन जिस तरह गांव चलो अभियान के बाद ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को पूरी तरह साधना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।